एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी, होप यू आर डूइंग गुड। एंड अभी के जो भी ब्लॉग्स एंड रील्स आई हैं उन्हें बहुत बहुत ढेर सारी विशेष हमें मिली हैं हमारी एनिवर्सरी के लिए। इन सभी को ब्लॉग्स एंड रील्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रही, सो थैंक यू सो मच। मतलब मोस्टली मुझे डीएम्स ऐसे आए कि दीदी नेक्स्ट ईयर ना हम भी ऐसी ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो रियल में हमें मतलब इतनी ज़्यादा खुशी मिली है कि चलो मतलब कम से कम कोई तो इस चीज़ से इंस्पायर हो रहा है इस चीज़ से। और अभी हो गई है इवनिंग, चाय कॉफ़ी का टाइम हो चुका है, तो सभी लोग नीचे जा चुके हैं एंड मंदिर में अभी चल रहे हैं यहाँ पे भजन वगैरह। तो बस अभी हम रूम पे ही थे एंड अब जा रहे हैं हम नीचे। जब इवनिंग हो गई और गर्मी का समय आ गया, देखिए हवा इतनी शानदार हवा चलती है और अभी इस समय पूरा दिन चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। आप झंडे को देख करके देख सकते हैं, पेड़ को देख रहे हैं कितना प्यारा लहरा रहा है ना, वो हवा बहुत ही अच्छी चल रही है। हालांकि बसंत का मौसम है, अभी नहीं चलेगी तो कब चलेगी। और कल थी एकादशी, तो कल हमने ज्योत जलाई थी, तो इसी ब्लॉग में हम उसके दर्शन करा देंगे आपको, क्योंकि मतलब ज्योत के दर्शन करना अपने आप ही में ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। और हम कोशिश करते हैं कि इसका थोड़ा सा पार्ट हम हर एकादशी में ज़रूर लेके आए आपके लिए, तो आप लोग जरूर दर्शन कर लीजिएगा उस चीज़ के और जो भी आपकी विश होगी श्याम बाबा जरूर पूरी करें। तो गाइस यहाँ पे आ गए कॉफी और मैं भी आ गई हूँ, निचोर आगे बैठे हुए हैं। आज 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 क्या हुआ, आज दिन में मम्मी ने बोली कि जया को बुला लो, जयश्री को। हाँ, जया ऊपर वाले रूम में पढ़ रही थी, मम्मी ने बोली जया को आवाज़ लगा दो खाना खाने के लिए। तो जयश्री और मैं जया जया इतनी तेज आवाज़ दे रहे थे आप लोग कि बिल्कुल बस जया तुमको सुनाई दी थी ना हमारी आवाज़, है ना, आ गई थी। फिर तुमने क्या बोला था? वैसे गाइस ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये जो ओरिजिनल रियल कंटेंट है हमारे घर का जिस पे हम लोग आगे चल के वीडियो शूट करने वाले हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी आपको फनी वीडियोस भी देखने के लिए मिलेगी हमारे इंस्टाग्राम पर, देखती हूँ। हाँ, इस पे काम किया जाएगा, है ना जयश्री? हाँ। देखिए हमारे पास वेडनेसडे, सैटरडे और संडे तीन दिन का जो टाइम रहेगा, तीन दिन में आपको कुछ इस टाइप की मजेदार मजेदार जाने वाली थी ना, छुट्टी थी ना आज उसकी, तो क्यों नहीं ले गए आप? क्यों हा? नहीं ले गए आप? क्यों नहीं ले गए आप? कार कौन चलाता है, मेरे को थोड़ी आप चलाने देते हैं, नहीं तो बाइक से चले जाते। तो बाइक मेरे को आती नहीं है, मुझे बोल देते, मुझे बोला ही नहीं किसी। आप आपको बोलना चाहिए, चलो मेरी प्यारी बहन, चलो मेरी प्यारी बहन, कहाँ जाओगे? रात में जैसे पूछिए दोनों कल का क्या प्लान है, तो नहीं पूछ सकते हैं कल का क्या प्लान है? तो तुम क्या बोली थी? अच्छा मैंने इससे पूछा कल का क्या प्लान है, तो इसने क्या बोला ये तो पूछिए। मैंने कुछ बोला ही नहीं था। नहीं, उसने बोला था क्या? इसने बोला कल मैं दिन भर सोऊंगी, तो मुझे लगा अगर इसका नहीं जाएंगे तो सोऊंगी, ऐसा तुमने नहीं बोला था, ऐसा तुमने नहीं बोला था कि चलो, ऐसा इसने बोला ही नहीं था, इसने बोला कि कल मैं दिन भर सोऊंगा, तो मुझे लगा शायद इसका रेस्ट लेने का मन हो, क्योंकि अभी दो तीन चार दिन से तो हम लोग लगातार कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट क्या कर रहे हैं भाई, शादी हुई, शादी से पहले मेहंदी हुई, फिर शादी मतलब हुई, लाइक घूमने घूमने जाओ तो भी मतलब मन दूसरा होता है, कुछ होता है घर पे, फंक्शंस होते तो भी मन दूसरा होता है, तो लाइक दैट। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो आपको रील्स में इतना ज़्यादा अभी प्यार मिल रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आप लोगों का, मतलब सच में एक चीज़ बोलना चाहूँगा मैं पर्सनली कि टाइम निकाल के इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करना और दिल से बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स आती है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप लोगों को देखकर इतना अच्छा लगता है, मतलब दिल को सुकून मिलता है, काश हमारा भी रिलेशन ऐसा होता। और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर हम भी ऐसे ही एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, तो जब मैंने ऐसा ये पढ़ा ना कमेंट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब लोग इंस्पायर हो रहे हैं, ये अच्छा लगता अच्छी लगता है, लगती है कि अच्छी चीज़ें हाँ। देखकर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो ये चीज़ अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी हम भी किसी को मतलब कोई मतलब किसी को एडमायर करते हैं या उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये चीज़ अच्छी बात है। और ख़ासतौर पे हम लोग ब्लॉग्स एंड रील्स में ज़्यादातर ये चीज़ें दिखाने की या कोशिश करते हैं, या फिर जो चीज़ सही है वही दिखाते हैं, कि हमेशा न्यू जैसा ही रहना चाहिए, ओल्ड करके क्या मतलब, हमेशा नया ही रहना चाहिए।
पुराने तो कपड़े भी हो जाते हैं। ट्विटर यार मेरे अंदर देख रहे हैं कंटेंट एकदम भरा पड़ा है, निकलने की देरी है। मैं बहुत जल्दी अपना कंटेंट निकालने वाला हूँ। जय आओ इधर अपना ड्रेसअप दिखाओ। मम्मी यार रेडी है मंदिर जाने के लिए। जय वहाँ से बर्फ निकाल के फेंक के मारेगी मुझे। जय वहाँ चाय बना रही है अभी किचन में हम लोगों के लिए। यार तुम सबसे पहले मेरे लिए कॉफी ला देती हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं घर का बड़ा हूँ। बड़े नहीं है बुड्ढे है ना, जैसे बुजुर्गों के साथ किया जाता है तो मेरे साथ वैसा करती है जया। जैसे घर में पापा को पहले निकाल के पूरा मान जाए तो घर के बड़े हैं। अच्छा देखा, ये हमारे आंटी जो आती हैं, आंटी आपके लिए देखिए कितना काम कम करती है जया। इसमें कॉफी बनाती है उसी में चाय बना देती है। कभी ऐसा नहीं करना जिसमें चाय बनाए उसी में कॉफी बना कर ले। आंटी बोले कि अरे मेरा बच्चा। हाँ हमारे यहाँ की जो आंटी है वो ऐसे ही बोलती प्यार से। कैसे बोलती जयश्री? अरे मेरा बच्चा। नहीं जैसे नमस्ते आंटी करी, नमस्ते आंटी तो कैसे बोलती है? दो दिन से मेरी भाई नहीं आई। बाबू भी बोलती है, बच्चा भी बोलती है। हाँ बड़ी प्यारी है हमारे यहाँ की आंटी। हाँ, सबको बड़े प्यार से बोलती है। जैसे कोई काम के लिए बोलो आंटी इधर कर दीजिएगा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मस्त। हाँ सच में, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो गाइस हमारी एनिवर्सरी के बाद पड़ गई एकादशी, और एकादशी के दिन हम हमेशा ज्योत जलाते हैं, तो हम बस उसी की तैयारी कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम कुछ टिप्स लेकर के आप लोगों को भी इस चीज़ के दर्शन करा दें, क्योंकि ये खुद में ही बड़े सौभाग्य की बात होती है कि हमें ज्योत के दर्शन करने को मिले। और यहाँ पे जयश्री, श्वेता, मम्मी सब लोग रेडी हैं कीर्तन करने के लिए। और कितनी अच्छी बात है ना, हम अपनी एनिवर्सरी पे कुछ रीजंस की वजह से कीर्तन थोड़ा पोस्टपोन कर दिया। हाँ पोस्टपोन किए हुए हैं, आगे होगा एनिवर्सरी वाला कीर्तन बट कुछ दिनों बाद। सो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हो चुकी है और बस इसके बाद हम बाबा की ज्योत ही लेने वाले हैं। और जब से हमने श्याम बाबा की ये वाली मूर्ति लेकर आई है घर पे, तब से हम हर एकादशी पे बाबा की ज्योत ले रहे हैं, और वो ही हमारे लिए मतलब एक किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता। एकादशी का दिन इतना अच्छा लगता है। और जब मम्मी का व्रत भी रहता है तो पूरा माहौल सुबह से ही वैसा होता है व्रत वाला, और हम लोग कभी प्याज और लहसुन का खाना भी नहीं बनाते हैं एकादशी वाले दिन, और चावल तो बनता ही नहीं है। तो मतलब वो सुबह से पूरा पूजा पाठ वाला माहौल रहता है ना, तो शाम होने में फिर मतलब ये सब चीज़ें करने में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरा एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है घर में, और बाबा की ज्योत का तो खैर दर्शन ही हो जाना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है, तो वो तो हम प्रज्वलित कर रहे हैं घर पर। और ये देखिए आप दर्शन कर सकते हैं, मतलब जब ज्योत आती है ना अपने से तो उसका एक अलग ही मतलब मेरे को अभी शेयर करते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ की मैं आपको बात बताती हूँ कि ऊपर दीपक की लौ जलती हुई रहती है, लेकिन जो नीचे हम कंडा रखते हैं उसमें अपने आप ही ज्योत आती है बाबा के भजन के द्वारा। तो उस चीज़ को देखने का मतलब अलग ही आनंद होता है। और फिर हमारी जया जश्री तो है ही भजन के लिए, तो जश्री के भजन में तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप लोग सुनिए और एंजॉय कीजिए।
थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वाली क्लिप्स देखी एंड एंजॉय किया, और बाबा की ज्योति दर्शन आप लोगों को हो ही गए होंगे, तो आप लोग कमेंट में जय श्री श्याम लिखना मत भूलेगा। और हम लोग की चाय वगैरह भी हो गई, देखो चाय चाय खत्म हो गई, चाय कॉफी खत्म हो गई, टोस्ट टोस्ट रह गए, रस्क रह गए, तो मैं इनको जाके रख देती हूँ ताकि ये वो ना हो जाए, वो फूल ना जाए, फूल ना जाए। सो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को दिल से इतनी प्यारी प्यारी विशेष देने के लिए, एंड कोशिश करें। ये जो ब्लॉग था वो सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए ही था, और आपको ज्योति का दर्शन ही करवाना था, इसलिए हमने एक छोटा सा ब्लॉग अभी आपके साथ शेयर किया है। बाकी कल से आपको डेली अभी इसी टाइम पे मतलब रात के 8 बजे ही आपको ब्लॉग्स मिलेंगे हमारे, और हम कोशिश करेंगे कि हम दिन में 12 बजे और रात में 8 बजे हम डेली ब्लॉग्स दें आप लोगों को। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, लेकिन टाइम याद रखिएगा 12 और 8 पे आएंगे। इसी टाइम पे आपको डेली ब्लॉग्स मिलेंगे, ताकि जो भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जब भी हमें ज्वाइन करते हैं तो एटलीस्ट उनको एक टाइम फिक्स मालूम रहे कि हाँ हम 8 बजे ही ब्लॉग देते हैं। सो अभी के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।